आरिफ खान इंडिया रिपब्लिक से चलते हैं हम आज पिलखुआ शहर में, जहां मिलते हैं आसू ठेकेदार से जो चुनाव के लिए जी क्या नाम है आपका सर? आसू मोहम्मद ठेकेदार अजमसलम धोबी समाज से जो है हम चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। अच्छे, कहां के निवासी हैं आप? पिलखुआ के निवासी हैं। अच्छा, जन्म से ही पिलखुआ में रहते हैं। जन्म से। और हमारा व्यवसाय भी पुराना व्यवसाय बड़े बूढ़ों का जो है चादर धुलाई का था, और जो है अब जो है जैसे जैसे जो है जनरेशन पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ती जा रही है, नई नई जनरेशन जो है धुलाई का काम चेंज करते हैं, धुलाई का काम भी कम रह गए हैं, चादर धुलाई का पहले हमारे पिलखुए में बहुत धुलाई का काम होता था। हाँ, ये तो खैर है कि पिलखुए में धुलाई का काम ज़्यादा होता है। अच्छा, ये आपने जो चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है वो किस तरीके से बनाई है? ये चुनाव लड़ने की रणनीति हमने बनाई, हमने अपने बड़े बूढ़ों से प्रेरणा ली, तो बड़े बूढ़े हमारे जितने थे सब ये छोटे बड़े की मदद करते थे, शहर कस्बे की मदद करते थे जो है, और जो है हमारे चाचा इस्लाम थे 25-30 सालों से जो जनता की सेवा करते आ रहे हैं, उनसे भी हमने बहुत प्रेरणा ली है। तो आपने समाज के लिए क्या क्या सोचा है? चुनाव जब आप जीत गए तो समाज के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे? समाज के जितने भी जो कार्य होते हैं जो है, जैसे कि गरीब लड़कियों की शादी कराना, और जो जिनके आवास नहीं उनके आवास का इंतजाम कराना, और जो है जी राशन कार्ड की सुविधा है, और दवाई गोली की सुविधा है, बहुत समस्या है अभी हमारे समाज में, बहुत समस्या है, एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है जी। अच्छा, क्या नाम है भाई? साजिद नाम है। साजिद जी, जैसा कि जनता के अंदर एक बदलाव चाहती है जनता, और इस बार नया चेहरा भी सामने आ रहा है सबके आंसू ठेकेदार के रूप में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भैया हम तो उनके साथ हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सेवा भी कर रहे हैं। आपके हिसाब से आंसू जी कैसे रहेंगे शहर के लिए? बहुत अच्छे रहेंगे। क्या वो चेयरमैन ही चला पाएंगे? तो चला रहे हैं चेयरमैन साहब, तो चला रहे हैं वे। चला रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो बहुत अच्छे आदमी। और क्या कहना चाहेंगे जनता के हिसाब से कि जनता उन्हें कितना सम्मान देगी? तो जनता के ऊपर ही है। अच्छा, आदमी तो सही है। आदमी सही है, ऐसा ही चेयरमैन होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? ऐसी होना चाहिए जो सेवा करते रहे वो सब। और क्या उम्मीदें लगा रखी हैं आप लोगों ने? उम्मीद तो भैया लगी रहे, हम तो साथ हैं उनके सब। क्या नाम है? निजामुद्दीन। जैसा कि चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों में रोष है कि इस बार नया प्रत्याशी हो, हर कोई परिवर्तन चाहता है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखो जी, हमारा ये भतीजा है, धोबी समाज से लगा हुआ है, और धोबी समाज शहर की सेवा में और हम तो हर एक की सेवा के लिए भैया लौंडा होशियार है, पढ़ा लिखा है, ठेकेदार भी है, भतीजा हमारा है, तो भैया सेवा के लिए हमें अच्छा। जैसे कि केवल एक ठेकेदार होना ही चेयरमैन प्रत्याशी के लिए काफ़ी नहीं होता, ऐसे कुछ और गुण भी हैं इनके अंदर क्या? बहुत गुण है, सुलझावा पढ़ा लिखा है, नया युवक है, वैसे धोबी समाज से तो जानता है, हमें सेवा में मिलता है, और सबसे पहले भी हम ऐसा चर्चा का विषय है कि लगभग 25-30 साल से घर में सभासद बनते आ रहे हैं, तो काफी अनुभवी हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी पब्लिक की सेवा, अगर पब्लिक का सहयोग तो हम स्वीकार करेंगे, पब्लिक का सहयोग चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ठेकेदार जी, जैसा कि जनता के अंदर इस समय एक माहौल बना हुआ है, तो कि आंसू ठेकेदार आ गए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता का जो अपनी सोच है, अपना रुपये जनता उसे चाहेगी, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, जनता के लिए काम करे। अब तक के जो प्रत्याशी चेयरमैन बने हैं, उससे पहले जो कार्यकाल रहे हैं, उनमें कैसा खबर हुआ है, उस चीज़ को देखते हुए जनता आपसे काम के लिए बहुत कुछ चाहेगी, उसके लिए क्या सोचा आपने? ऐसा है, हमारे शहर का जो है थोड़ा दुर्भाग्य समझो, जो है 15-20 सालों के अंदर जो विकास के कार्य होने चाहिए थे नगर पिलखुआ में, वो विकास के कार्य इतने नहीं हो पाए जितने तेज गति से होने चाहिए। हमारे शहर को वाईफाई की जरूरत थी,
सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है ताकि हमारी बहन बेटी व्यापारी सुरक्षित रहे, और जो है जी सड़कें जो है साफ स्वच्छ सड़कें चाहिए, सड़कों में जो ब्रेकर स्पीड ब्रेकर लिमिट वाले होने चाहिए, कहीं ऊँचे हैं कहीं नीचे हैं, उससे लोगों को जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और नई मिलन बस्तियाँ हैं जिनमें अभी भी जो है दो दो डेढ़ डेढ़ मीटर गहरे गड्ढे, बल्कि आज मैं सुबह गया भैया तुम्हारा इधर चमनपुरी की तरफ, वहाँ पर लोग बस नरक की ही ज़िंदगी जी रहे, लोग एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर गहरे गड्ढे और लोगों को ना तो चलने को ना पीने को पानी। तो ऐसी नई कॉलोनियों में हमें चाहेंगे कि जो है इनका विकास हो और जो है लोगों को सुविधाएं मिले। जैसे कि आप धोबी समाज से हैं, उस समाज के लिए तो सभी कह सकते हैं कि हाँ पूरे समाज का सहयोग मिलेगा, अदर समाज में आपने क्या पैड बनाई है, क्या आप और समाज से चाहेंगे? तो ऐसा हमने हमारे बड़े बूढ़ों ने सब भी समाज से मिलजुल कर रहे हैं और जो है सबसे मिलते जुलते आए, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे जो प्रजापति समाज हो, और भी जो है हमारे जो है अंसारी वर्ग हो, कुरेशी वर्ग हो, तो सभी से हमारा शुरू से ही मिला जुला हुआ है। सर जैसे कि अभी पिछले चुनाव में झूला पार्टी से एक प्रत्याशी चेयरमैन बने हैं और वो पार्टी छोड़ कर अदर पार्टी में चले गए, लोगों का उनके प्रति जो है गलत भावना निकल रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा उसके बारे में तो वो ही बता सकते हैं कि उनके क्या कारण रहे हैं, क्या मजबूरी रही है, इस बारे में मैं दूसरे का क्या बता सकता हूँ। और जनता के लिए क्या क्या आप कहना चाहेंगे? बस जनता का ये मेरा तो कहने का मकसद यही है, जनता जो सही चुनाव करे, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करे और जो सही चुनाव करे। और शहर के लिए क्या क्या सोच रखा आपने आने वाले समय में, किस तरीके की, जैसे कि आप प्रत्याशी बन गए, जीत गए आप, तो उसके लिए जनता के लिए क्या क्या सपने देखे हैं आपने, क्या क्या शहर के लिए सोच रखा है? यदि ऊपर वाले ने मौका दिया, जनता ने यदि चाहा, तो जो मैं उम्मीद जनता की उम्मीदों का खरा उतरने की अपने भरपूर कोशिश करूँ। आपका शुभ नाम जी? इस्लामुद्दीन है सर। आप क्या कहना चाहेंगे आज मोहम्मद ठेकेदार जी के बारे में? मोहम्मद ठेकेदार के बारे में जैसे कि ये चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, लोगों में चर्चा का विषय है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी कोशिश है, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके मन में है कि मैं समाज की सेवा। तो आपका क्या सहयोग रहेगा? हमारा सहयोग तो वही हर वक्त है, 24 घंटे सहयोग है, हम सब का तो पूरा परिवार बैठा है, मेरा पूरा परिवार ऐसे पे खड़े हैं सब, और हमारे पड़ोसी भी हैं सब, हैं सबका सहयोग है। हाजी रही सूजी, जैसे कि आपके पड़ोस में ही आपके नगर पिलखुआ में आसू ठेकेदार जी चुनाव के लिए आए हैं, क्या कहना चाहिए उनके लिए, क्या मन है आपका? सर हमारा मन ये है, तो सबका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता, नागरिक का अधिकार। और दूसरी बात ये, अब ये नया यंग मैन आया है, पता नहीं इसकी क्या उम्मीद है, खड़ा उतरे उम्मीद हमें मिल गया तो ये खड़ा उतरेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुलफाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस लिए यहाँ पर जन इकट्ठे हो रहे हैं लोग? हमारे चाचा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लोगों के बारे में कुछ पता है आपको, कैसा विचार चल रहा है, कैसा भावना है? अच्छी लहर चल रही। आप क्या कहना चाहेंगे जी आसू जी के लिए? बढ़िया चेयरमैन, शहर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, बढ़िया है। और शहर में कैसी रुचि है आप तो बता सकते हैं, आप तो जनता हैं। हो जाएगा तो बढ़िया चीज़ है, शहर में तरक्की आ जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? अबे क्या नाम है? मेरा नाम शान मोहम्मद है। शान मोहम्मद जी, शान मोहम्मद जी, जैसा कि चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में कि नई प्रत्याशी उतर रहे हैं आसू ठेकेदार के रूप में, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जनता बदलाव चाहती है और एक अच्छा नेता चाहती है जो शहर में लोगों की हर समस्या को सुने और उनके हर काम आ सके, तो बिल्कुल सभी काम।